मैडम तो सोच में पड़ गई हैं। कचौड़ी, आलू की सब्जी और हरी मिर्च का अचार हमारा जो स्पेशल होता है। क्या बात है ना। और ये देखो जी, इनकी सब्जी ये बड़ी काढ़ी सी लग रही है यार, और बहुत ही अरोमा इसका बहुत ही ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। ये जी टूटी ये कचौड़ी, ओए होए 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 होए, तो देखते हैं इसमें फीलिंग क्या है जी। ओए होए ये आई जी। ये आ गए जी हम बाबूलाल कचौड़ी भंडार पे, जो कि है शेखसराय इलाके में, और बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेशन आई थी इसकी कि भाई करो करो इसका। और इनकी ख़ास बात ये लगी यार मेरे को यहाँ पे आने के लिए, मजबूर में इसलिए हो गया कि एक जगह और मैं गया था कचौड़ी खाने के लिए, लोग खा उनकी कचौड़ी रहे थे लेकिन तारीफ़ें जो कर रहे थे वो बाबूलाल जी की कर रहे थे, तो ये उनकी ख़ास बात लगी मेरे को। तभी मैंने कहा चलो यार यहाँ पे भी आके ट्राई कर लेते हैं क्या कचौड़ी है इनकी। ये बन रही है, ओए पैक हो रही है ये जी, हमारी घर के लिए पैक करा रहे हैं यहाँ पे लोग, क्या बात है यार। ये गई कचौड़ी, और ये क्या भैया ऊपर से खट्टी चटनी, क्या बात है। ये जी पैकिंग, अगर आप पैक करा के लेके जाना चाहें बड़े प्यार से भैया पैक भी करेंगे, बहुत ही प्यारा नेचर है इनका। भैया जी वेलकम टू छोटा हल्दी। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। भैया आप अपना नाम बताएं प्लीज़। सर मेरा नाम है तरुण कुमार। अच्छा जी। वैसे मुझे सब बिल्लू के नाम से जानते हैं। अच्छा जी। और ये जो बाबूलाल का छोटी भंडार है ये हमारे फादर ने शुरू करी थी। अच्छा जी। कचौड़ी, आलू की सब्जी और हरी मिर्च का अचार हमारा जो स्पेशल होता है। क्या बात है। और हमारी जो सब्जी है आलू की, इसकी विशेषता है कि इसमें लहसुन प्याज और टमाटर अदरक कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा जी। हाँ जी। और जो हमारी कचौड़ी है ये भी एक सूखा मसाला होता है, इसमें भरा जाता है। तो हमारी जो कचौड़ी है बहुत से जन ले जाते हैं दिल्ली से बाहर तक, तो वो जैसे चाय के साथ खाने के लिए मट्ठी की तरह होती है ना, ऐसे भी खाते हैं, दो तीन दिन तक खराब नहीं होती कचौड़ी हमारी। अच्छा जी। तो इसकी खासियत है। कितनी तरह की दालें डलती है इसमें? इसमें दो तीन तरह की मसाले दालें मिक्स होती हैं जी। फायदे की बात है, जल्दी जल्दी आ जाओ शेखसराय इलाके में, बहुत ही ज़बरदस्त। ये आगे जी देख लो आप, चिराग दिल्ली, चिराग दिल्ली इलाका है जी। सॉरी सॉरी, शेखसराय मत पहुंच जाना, चिराग दिल्ली है ये। ओके भाई, ये आ गई है हमारी कचौड़ियाँ, और ये कहाँ पे आए हम, बाबूलाल कचौड़ी ना। और ये देखो जी इनकी सब्जी ये बड़ी काढ़ी सी लग रही है यार, और बहुत ही अरोमा इसका बहुत ही ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। चलिए देखते हैं क्या टेस्ट है इनका ओवरऑल। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया सी लग रही है, खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो ये आलू और थिक करी है इसकी, काफ़ी ज़्यादा थिक ग्रेवी टाइप है। और लेट्स सी इनका जो ओवरऑल हमारी कचौड़ी है उसकी। ये जी टूटी ये कचौड़ी, ओए होए 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 होए, तो देखते हैं इसमें फीलिंग क्या है जी। ये मुझे वैसे मूंग की दाल की फीलिंग लग रही है इसकी, उड़द की दाल नहीं है ये, मूंग की दाल है। जो हमने लास्ट ट्राई किया उसमें उड़द की दाल थी। चलिए टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार क्या ही टेस्ट है। ये आई जी। जो पहली बाइट में आप फील करने वाले हो वो इसकी स्ट्रॉन्ग चटनी का टेस्ट, जो आपको बहुत ही खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा। बाकी मेरे को लग रहा है कि कचौड़ी थोड़ी और ज़्यादा स्टिफ होती, वो थोड़ी करारी और होती तो और ज़्यादा मज़ा आया था, लेकिन ये मूंग की दाल है उड़द की दाल वाली तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसकी खस्तानेस में भी इसकी थोड़ी ठंडी वजह से थोड़ी सी कम हो गई है। मैम वेलकम टू छोटा हल्दी। थैंक यू सो मच। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, एक्चुअली हम लोग यहाँ पड़ोस में रहते हैं तो आना होता रहता है। जी जी। तो क्या खास लगता है इनकी कचौड़ी में आपको? टेस्ट एंड क्वालिटी, व्हाट अबाउट क्वालिटी? क्वालिटी भी अच्छी है तभी तो टेस्ट भी अच्छा, अदरवाइज कैसे टेस्ट अच्छा होगा। मतलब और जगह से अच्छा लगता है इसलिए यहाँ आते हैं, अदरवाइज तो वैसे भी मिलती है। चलिए फॉर्मेलिटी के लिए फिर भी पूछ लेता हूँ, आउट ऑफ 10 कितना देना चाहेंगे? आउट ऑफ 10? जी मैडम तो सोच में पड़ गई है। आउट ऑफ 10 में तो ऐसा भी है कि 10 to 10 भी दे सकते हैं जी, जी बट थोड़ा सा इस सोच में इसलिए रही हूँ ना कि 10 ही बोल दो या कम करना है बढ़ाना है। नहीं ठीक है, आप लोगों को कहेंगे रेकमेंड करने? हाँ बिल्कुल, प्लीज यहाँ आए, बहुत अच्छा टेस्ट है, ट्राई करें और जरूर से खाएं और सबको भी बुला करके खिलाएं। क्या बात है, क्या बात, शुक्रिया हमसे बात करने का। थैंक यू। तो ये था जी आज का एक छोटा सा रिव्यू कचौड़ी के लिए, कचौड़ी के नाम कर दिया आज का रिव्यू, आज का दिन मैंने कचौड़ी के नाम कर दिया। अगर अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट तो करना ही करना, और
दोस्तों सब्सक्राइब करना तो भूला ही मत करो, जल्दी जल्दी कराया करो भाई। जैसे मेरे को लोग ज़्यादा मिलेंगे, जल्दी जल्दी वीडियो रिकमेंडेशन और आएंगी, और जगह मैं जाऊँगा, अच्छे अच्छे रिव्यू बना के आपको देता रहूँगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, सी यू।